अच्छा काम किया आपने, थैंक यू। हाँ ओके। तुम ना बहुत बुरे हो, मुझे माला पहना दिया, खुद फेंक दिए। अरे इसे छोड़ो ना, आगे चल के नई दो मालाएं ले लेंगे। चलो फिर, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझी ना। चलो दो मालाएं मिल गई तुम्हें। चल, तेरे को सारा नशा उतारेंगे, चल तेरा। सर, सर, यू इडियट, गेट अप, उठ रे, चलो खड़ा हो, अबे चल, हटो हटो, जाने दो हमें। क्यों बेटी, ये क्या किया? मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तू सदा खुश रहे, सदा सुहागन रहे, तेरी माँ और तेरे पिताजी सदा तेरे साथ है बेटी। अरे बेटी, तुमने इससे शादी कर ली, आशीर्वाद नहीं लोगी? ये क्या बोल रहे हैं पापा, इसीलिए तो आपके पास आए। अरे जीजा जी, परेशान होने की क्या बात है, अब उन्होंने शादी कर ली है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, अब तो आप भी खुशी मनाओ। सर कुछ इंक्वायरी चालू करें। गो अहेड, यू प्रोसीड। ये वही सब लोग हैं जिनकी वजह से डॉक्टर साहब अरेस्ट हुए थे। डॉक्टर ने किसी को नहीं मारा, डॉक्टर साहब निर्दोष हैं। सर जरा आप सुनिए, आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटा। दो बच्चे थे आपके? हाँ आप सही कह रहे हैं। आपको पिछली बातें कुछ याद हैं? जरा आप कुछ सोच कर बताइए, आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, याद कीजिए, शायद कुछ याद आ जाए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। अरे, तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे अच्छे से मालूम है कौन कितना बड़ा लुटेरा है, इस गांव को किसने कितना लूटा है सब मालूम है मुझे। मुझे दिमाग मत खराब कर, बोली आगे बोलने दोगे? सुनो, इस बार की बोली कम है, मैं नहीं लेके जाऊंगा, जिसको ले जानी है वो ले जाए, जो भी मुनाफा आएगा वो तू ले जाना। आप ही लोग बहस करते रहेंगे या बात आगे बढ़ेगी? अरे तुझे इतनी जल्दी क्यों है? ए, तुम लोग हमेशा ऐसे लड़ते रहोगे, तुम दोनों कभी भी ऐसा फैसला नहीं कर पाओगे जिससे फायदा हो किसी का, सब कुछ अपने बारे में ही सोचते रहो। ए, मैं कहता हूँ अभी फैसला करो, तुम लोग गधे की तरह मत बोलो। अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे मुंह मत लग, वरना बहुत बुरा हाल करूंगा। सोच बंद कर, क्या कर रहा है? मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। अरे खड़े मत हो, बैठ जाओ, बकवास बंद करो। ए बैठ जाओ, चलो। तुम लोगों ने समझ क्या लिया, मैं बेवकूफ हूँ क्या? मैं आगे बोली बोलने नहीं दूंगा किसी को। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इस गांव की भलाई तुम लोग कर ही नहीं सकते, जब देखो तब, मेरे रहते इस गांव में कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं देखता हूँ तुम दोनों में से किसकी हिम्मत है, सारे गांव वालों की भलाई करने के बजाय सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ए मुंह बंद करो, जा यहां से। ए बंद कर तू अपनी जबान, मुंह चल, किसको बोल रहा है? देख ले, जानता हूँ, चल यहां से। ठीक है, इस बार की बोली मेरे से आई है, मैं लेकर जाता हूँ, बिल्कुल सही है, जो कुछ भी होगा मैं बर्दाश्त करूंगा। हां लेके जाओ, लेके जाओ, बात है, लेके जाओ भाई, लेके जाओ, बात है, लेकर जाता हूं। हां लेके जा, लेके जा, अरे लेके जा, हां चल जा, ले जा। याद आया, तू मैं हो गई थी, ये आपको पहले समझना चाहिए था ना, तो इतनी बात ही नहीं बढ़ती। ये किसका बच्चा तू उठा करके लाया है? ए, किसका बच्चा लाया? मालिक मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, आप सुनोगे तो आपको बहुत खुशी होगी। वो जीजा साले अपने आप को क्या समझते हैं, मैं उस साले साहब का बड़ा बेटा उठा लाया हूँ, अब मजा आएगा। देखो तो क्या काम किया रे तूने, अब देखना, अब देखना कैसे दोनों को सबक सिखाता हूँ। सारे गाँव वालों के सामने मेरी बेइज्जती की थी ना, अब मैं उन दोनों को मजा चखाऊंगा, देखना। ए, मेरी बेइज्जती की थी, मैं इस बेइज्जती का बदला उनसे ऐसा लूंगा
कि वो पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। अब देखता हूँ कैसे वो इस गांव से पूरा गल्ला लेकर जाते हैं। आप नहीं जा पाएंगे। गांव वालों के सामने मुझे मुच्छड़ कहा था ना, अब ये मुच्छड़ उन्हें वो मजा चखाएगा कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तूने बहुत बढ़िया काम किया है, मेरे जले पर तुमने मरम लगा दिया है। इसको तो निपटाना पड़ेगा। जाता हूं। जा। अरे बाप रे, ये कौन लड़का आ गया मेरी गाड़ी के सामने। कोई बात नहीं, इसे अस्पताल ले चलता हूं मैं। जो आपका बेटा खो गया था, वो खोया हुआ बेटा, ये वही डॉक्टर है। अरे ये तो हमारा खोया हुआ बेटा है। सुनते हैं, ये हमारा बेटा है। हे भगवान, इतने साल हमसे जुदा रहा तू, कैसा हमारे साथ अन्याय हुआ। मेरा बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा बेटा लौटा दिया। मेरा बच्चा, तुझे तेरे माँ बाप की याद नहीं आई क्या बेटा? कभी नहीं आई मेरा बच्चा, मेरा बेटा। अब मुझे छोड़कर नहीं जाना बेटा, अब कहीं नहीं जाना। सुनिए जी, हमारा बेटा वापस आ गया है। हमें छोड़कर मत जाना बेटा, अपनी माँ को छोड़कर कहीं मत जाना। सुनिए जी, देखिए ना, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। क्यों बेटा, इतने साल तक हमसे तू दूर रहा, तुझे अपने माँ बाप की याद नहीं आई क्या कभी? बोलो बेटा। लेकिन मेरे असली माता पिता तो वही हैं, उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। ये क्या कह रहा है? उन लोगों ने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। वरना मैं तो कब का मर चुका होता, जिंदा नहीं बचता। आज मैं आपके साथ हूँ और शादी भी कर रहा हूँ। अगर मैं जिंदा नहीं बचता तो क्या मैं आपके सामने खड़ा हो पाता? देखो, छोटी सी दुश्मनी कैसे कैसे रंग दिखाती है। उस आदमी ने मेरा बेटा, हमारे लगते जिगर को हमसे दूर कर दिया। अरे भाई, जो होना था वो हो चुका है, अब जो होना है वो तो होने दो। ठीक है मामा जी। बेटी, हार पहनाओ। हाँ, पहनाओ पहनाओ। मेरा बच्चा, हे भगवान, आशीर्वाद। खुश रहो, खुश रहो, जीते रहो। आपका बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। पुलिस इनको शक के बिना पर लेकर गई थी, वो तो छूटना ही था। तुम्हें खुशी मिली कि नहीं, ये पूछना था। हाँ? मुझे खुशी मिली या नहीं मिली, इससे तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम जाओ। शायद तुम्हें पता नहीं है, डॉक्टर ने दूसरी शादी कर ली है उस लड़की से, और तुम्हारे बारे में उसने जरा सी भी नहीं सोची, समझी? तुम उस डॉक्टर का खून कर दो। हाँ? ये क्या कह रहे हैं? उसने भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, धोखा दिया है। ये पकड़, उसको किसी बहाने खिला देना, काम तमाम हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरे पति है। ऐसा करना होगा, नहीं करोगी तो तुम जान से जाओगी, समझी तुम? ऐसा करना ही होगा। ए, तमीनो, चले जाओ यहाँ से, वरना इस पॉइंट से तुम दोनों की जान ले लूंगी। क्या समझते हो तुम लोग? छोड़ो, छोड़ो मुझे। चलो।